हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं कुवारा भूषण, देखते हैं कैसा है कुवारा भूषण। हमने आज तक देखे नहीं है और पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं। मिलते हैं कुवारा भूषण में और जाते जाते जो चीज़ मिलती है रास्ते में वो भी दिखाते हैं आपको। ठीक है गाइज, मिलते हैं कुवारा भूषण में और रास्ते पर जो जो मिलता है वो भी दिखाते हैं आपको। अभी हम थोड़ी देर में खापरगेड़ा पहुंचने वाले हैं। ये खापरगेड़ा का लोकेशन आप देख सकते हैं, प्लांट है। खापरगेड़ा पावर प्लांट। आज हमारे साथ में अतुल भाई है जो बाइक राइड कर रहे हैं। ओके, अतुल भाई, क्या आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है क्या आपके हिसाब से? ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, बट हाँ स्टेबल है गाड़ी चलाने के हिसाब से। मौसम अच्छा। भी बहुत प्यारा है, एक नंबर। अच्छा ठीक है ना, ऐसा ही हो तो मज़ा आती है। ओके ठीक है ना, रोड बड़ी शानदार बनाई है। क्यों सही है, ऐसी रोड रहे तो कहीं भी निकलने में मजा आता है। हाँ राइट, एब्सोल्युटली अतुल भाई। कुवारा भूषण एक ऐसी जगह है जहाँ लोग पिकनिक मनाने भी जाते हैं और ट्रैकिंग करने भी जाते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है। अभी हम पारसुनी पहुँच गए हैं और यहाँ से जा रहे हैं अभी कुवारा भूषण। फाइनली दोस्तों, थोड़ी देर बाद में हम पहुंचने वाले हैं कुवारा भूषण, दिखाते हैं आपको। जन यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं, इसीलिए तो इसे पिकनिक स्पॉट कहा जाता है, क्योंकि बहुत से जन यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। ये सब गाड़ियाँ पिकनिक के लिए ही आई है। फाइनली हम पहुंच ही गए हैं कुवारा भूषण। ये है कुवारा भूषण देवस्थान। लेकिन है कुछ भी बोले, जगह सही है, मज़ेदार। तो अतुल भाई मेरे को एक बात बताओ, आप कितनी बार आए हो यहाँ पर? फर्स्ट टाइम आया मैं तो। अच्छा, आप कभी आए थे क्या यहाँ पर? अभी भी नहीं। जगह कैसी लगी आपको? नंबर है
यहाँ सब पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। सभी सभी बेस्ट प्लेस है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। वैसे ये तुम्हारी फर्स्ट विजिट है क्यों अतुल भाई? पहली। अच्छा, यहाँ इससे पहले कभी नहीं आए आप? अच्छा, पौधे के ऊपर एक मंदिर है। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा। ऐसा क्रॉस करके जाना पड़ेगा उस साइड अगर चढ़ना ही है तो। यहाँ सब भी लोग जो आते हैं पिकनिक के लिए आते हैं। बहुत ही सुंदर प्लेस है पिकनिक का ये। अतुल भाई, ये जो रोड जो है ये ट्रैकिंग के लिए है क्या? मेरे हिसाब से यही है, संदीप भैया ट्रैकिंग के लिए। अच्छा, चल के देखा जाए, जब तक चलेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। ओके, हाँ। लग तो यही रहा है क्योंकि छोटी छोटी ये जो रोड दिख रही है तो लग रहा है कि यही रोड है जो ट्रैकिंग के लिए यूज होती है। क्यों? प्रकृति का बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये जो आप देख रहे हैं। क्या बात है, अच्छी जगह कोई होनी। कैसा बोले अतुल भाई आपने? इससे अच्छी जगह और कोई होनी सकती। प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ना ये। मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ लोग आते हैं पिकनिक मनाते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और वो जो पहाड़ी दिख रही है आप, वहाँ पर लोग यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। बिल्कुल जंगल के बीचों बीच और पहाड़ियों से घना हुआ क्षेत्र है ये। चारों तरफ पहाड़ियाँ और चारों तरफ जंगली जंगल और साथ में पानी और बोटिंग का मज़ा दोनों मिलता है यहाँ पर। यही रोड है जहाँ से लोग ट्रैकिंग करते हैं और ऊपर जाते हैं। अतुल भाई तो बड़ी स्पीड में चल रहे हैं ऊपर। क्या बात है अतुल भाई, लगता है जा पाएंगे? देखते हैं सर जी। कैसा लग रहा है अतुल भाई इतना ऊपर चढ़कर आपको? भाई कितना टाइम लगेगा? भैया को पूछे अभी तो भैया बता रहे 10 मिनट लगेंगे करके। जाने में टाइम लगता है और नीचे आने में टाइम नहीं लगता। ओके, थैंक यू। थैंक यू बजे यार। ये बीच में क्या है अतुल भाई? ये कितनी देर लगेंगे भैया ऊपर जाने के लिए? आधा घंटा भैया बता रहे, आधा घंटा। चलो कोई नहीं, देखते हैं। हम अपने टारगेट सेट करते हैं 25 मिनट का, ज़्यादा नहीं। अतुल भाई थक गए क्या आप? नहीं, अरे चलो तो सही।
अतुल भाई थके नहीं, जोश देखो उनका वाला बरकरार रखा है। भाई कितना टाइम लगेगा आपको चढ़ने में? लगता है चढ़ पाएंगे, देखते हैं अतुल भाई चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ पाते हैं। डिपेंड करता है कि आप हमें चढ़ा पाते हो या नहीं चढ़ा पाते हो। मतलब तो अपने हाथ में रहता भी है, चढ़ना चढ़िए। नहीं, हमारा हाथ पकड़ के आप लेके जाओगे ना हमें ऊपर। चलिए चलिए चलिए। अरे बाप रे, थक गए भैया ये तो। कोई दिक्कत नहीं, चल रही है। अतुल भाई पीछे से हमें धक्का दे रहे हैं। मजा आ रही है अतुल भाई? अरे बिल्कुल। अरे बाप रे, घना जंगल है ये तो चारों तरफ, और कोई नहीं अतुल भाऊ और मेरे सिवा। मैं तो थक भी गया, पर अतुल भाई किस अभी भी नहीं थके, वो तो जोश बरकरार है उनका वाला। भाई कितनी देर लगी ऊपर चढ़ने के लिए? भाई 20 मिनट। ओके, एक बार तो सबने आना चाहिए कुंवारा भूषण में, बहुत मज़ा आती है चढ़ने में। पूरे थक गए हैं लेकिन फिर भी चढ़ रहे हैं। क्या होगा अतुल भाई पीछे पीछे हो तुम? अच्छा, हाँ, अरे रेस नहीं लगा सकते अतुल भाई, मेरे को मालूम है रेस में आप पहले से ही मेरे से आगे में हो। अतुल भाई थक गए क्या आप? हम तो पूरा थक गए यहाँ तक चढ़ते चढ़ते। वाह क्या नज़ारा है, ब्यूटीफुल प्रकृति का बहुत ही सुंदर नज़ारा ही है। इस ट्रैकिंग ने तो जान निकाल दी यार हमारी, शायद पहुंचने वाले हैं ऊपर हम। फाइनली हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट होने वाली है, बहुत मुश्किलों का सामना कर कर हम ऊपर तक चढ़े हुए हैं। मज़ा आ गया ट्रैकिंग करने में, लेकिन ऊपर चलकर आपको बताते हैं। फाइनली पहुंच ही गए अपन, क्यों ऊपर तक? लेकिन अगर इतना चढ़ने के बाद अगर ऐसा नज़ारा मिले ना तो वर्थ इट है। आखिरकार मेहनत सफल होगी। ट्रैकिंग का मज़ा आ गया क्यों अतुल भाई, है ना? बोलते रहे यहाँ भाई। जूम कितना जाता है? वो गाड़ी जा रही है, धूप आई है। बहुत ही मज़ा आ गई क्यों अतुल भाई ऊपर चढ़ते हुए यहाँ से? बट बोटिंग का ना इशू है कि यहाँ से वहाँ तक लेके, पता नहीं अपने को आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा आगे में बोटिंग के क्या चार्जेस है और क्या कहाँ तक लेके जाते हैं करके, देखते हैं बोटिंग का। मज़ा आ गया आज ट्रैकिंग करने में, क्यों अतुल भाई? रोज़ रोज़ नहीं मिलता ऐसा ट्रैकिंग करने के लिए। व्यू देखिए बस आप, व्यू का मज़ा लीजिए, क्या सुंदर जगह है। और मैं तो चाहता हूँ कि सबने एक बार यहाँ विजिट कर लेना चाहिए, बिकॉज बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये, बहुत ही प्यारी जगह है।
और सबसे ज़्यादा मज़ा तो ट्रैकिंग करने में आता है। बंदे से पूछना था ना भाई कहाँ की और क्या? ये तो लेक है, नदी है या तालाब है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन कुवारा भूषण बोलते हैं जहाँ तक हो सके वहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब ये नदी जैसा ही लग रहा है। तुमको क्या लग रहा है? है ना, देखते हैं क्या है। तो अपने को भी नहीं मालूम, दिस इज़ द ये अपनी तो फर्स्ट टाइम विजिट है ना। सर चला जाए आगे में, पहले बोटिंग के लिए। नीचे उतरने का समय आ गया, नीचे उतरते हैं, चलते हैं फिर देखते हैं बोटिंग कर, मिलते बोटिंग पे। क्यों बोटिंग करेंगे ना अतुल भाई? चलो ठीक है, आराम से भी है। चलिए अतुल भाई, ट्रैकिंग करने में मजा आई? मज़ा आई, आराम से बस आप देखते चलिए। यहाँ तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। चलो नीचे उतरते हैं अतुल भाई, चिल्ड पानी पियेंगे। ओके, फाइनली हम बोट पे बैठ चुके हैं। अतुल भाई मजा आ रही है बोट पे? अरे बहुत मजा आ रही है भाई। क्या बात है, भाई का नाम क्या? क्या नाम है भैया? अतुल भैया। क्या बात है, अतुल भैया बोटिंग कर रहे हैं और अतुल भैया बैठे, अतुल भैया बैठे हुए हैं, क्या बात है। ये है अतुल भैया, नहीं गिरे ना। बोटिंग और ट्रैकिंग, बोटिंग और ये यहाँ मंदिर क्या था भाई? मंदिर मतलब वहाँ पर एक रानी का घर था बोलते पहले, तब यहाँ पर पानी नहीं था, तब की बात है। मतलब अपने गांव भी थे बोलते तब। ये क्या नदी है कि क्या? नहीं नदी नहीं, तालाब है, इतना बड़ा बीच तालाब है भैया। अच्छा, हम अब तक इसको नदी समझ रहे थे, लेकिन ये नदी नहीं है, तालाब है, अतुल भैया बता रहे हैं। पेंच तालाब है, पेंच डैम बोलते हैं। पेंच डैम पीछे वाला भाग है, उधर है वो गेट दिख रहे होंगे आपको, वो देखो। अच्छा वो गेट से डैम वो वहाँ पर रुका है, इधर से पानी आया है। अच्छा, इधर और लंबा है। ओहो, इधर मतलब तोतलाडो से पानी आता है, तोतलाडो इससे बहुत बड़ा है। अच्छा अच्छा, बारिश में पूरा ही भर जाता है, कैसे सूख गया पानी, वहाँ तक जाता है मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ तक चले जाता है पानी। कम हो गया पानी, पानी ज़्यादा था। ये अतुल भैया है जो नाव चला रहे हैं, और ये हमारे अतुल भाई, दोनों भाई साथ में बैठे हुए हैं, और हमारे पीछे में बैठे हैं हमारे दोस्त जो बोट में साथ में आते हैं, छिंदवाड़ा से। अच्छा, यहाँ का पता कैसे चला था आप लोगों को? आते रहते हैं हम तो, आते रहते हर साल। हाँ, मतलब कैसा रहता है जो यानी कि अपना पहला बारिश पड़ने गिरने के पहले नहीं क्या? हाँ, लोग आते बोनी करने के पहले। अच्छा, ये विवाद है। और एमपी के ज्यादातर लोग आते हैं। अच्छा, वैसा ही एमपी लगकर है नहीं सर। बॉर्डर कितने की दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से पता नहीं, यहाँ से एमपी बॉर्डर कितना है? एमपी बॉर्डर यहाँ से 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर इस साइड जाना पड़ता है, चारगांव से इधर। और एम पी वाले को जिम जाने की जरूरत ही नहीं है, जो होता है यही हो जाता। सूरज का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, वही तो। वाओ, गर्भ महिला के लिए है ना, अभी तक नहीं बैठा तू? मजा आ गई क्यों? अरे बहुत क्या पहाड़िया है इधर साइड में, जबरदस्त। एक बार तो यहाँ विजिट करना चाहिए सबने। हाँ, चढ़े ना हम, अभी पैकिंग कर आए ऊपर से। हाँ जी, ठंडी मध्य पावस मध्य तरी मच्छे बैठता है, इतना बैठते मच्छे बाजार नहीं का फेरीला पार्शनीला। ये बारिश में कहाँ तक पानी चल जाता है इधर? ये मंदिर में चला जाता है भाई, मंदिर में। अतुल भाई बोटिंग का मजा आ रहा है? अरे बहुत मजा आ रहा है भाई, अतुल भाई के साथ तो और भी मजा आ रहा है। चलो ठीक है ना, मजा आ गया। बहुत ही शानदार, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉयमेंट हुआ। भैया लोग बहुत खुश हो गए हैं, बहुत ज्यादा जी, बहुत अच्छा रिलैक्स फील कर रहा है। अच्छा अच्छा, मजा आ गया बोटिंग करते हुए। फाइनली यहाँ से जाने का समय आ गया है, और वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गया हो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।